दिस इज प्रोकार्ट। प्रोकार्ट इज बेसिकली प्रो कल्टिवेशन, जिसको जमीन के अंदर में लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए, पेड़ पौधों को लॉन्ग टर्म तरीका से, लंबा तरीका से पेड़ पौधे को पोषण देना है और पेड़ पौधों को अच्छा रखना है, तो उनके लिए प्रोकार्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है। और दोस्तों प्रोकार्ट के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। दिस इज ए कंप्लीट एमिनो एसिड बेस्ड प्लांट फूड होता है, और ये एमिनो एसिड बेस्ड जो प्लांट फूड होता है, इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ 21 एमिनो एसिड इसके अंदर में भी है। इसके अंदर में आपको ह्यूमिक एसिड है, इसके अंदर में आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, एंड देन इसके अंदर में प्लांट हॉर्मोन्स है। अब देखिए जो प्रो एंजाइम है, इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल, बट प्रोकार्ट जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसको टेलरमेड करके बनाया गया, मीन्स जमीन में क्या चाहिए उस तरीके से बनाया गया। तो ये पूरा पूरा नॉन टॉक्सिक होता है और बायो स्टिमुलेंट होता है। ये जैव उद्दीपक होता है कि पेड़ पौधे के लिए ये स्टिमुलेंट का काम करता है और उसको डेवलप करते हैं। इसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होने देता है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी डेफिशिएंसी पेड़ पौधे का नहीं होगा। ये कैटलिस्ट जैसा काम करता है, जैसे ये क्लोरोफिल को स्मूथ करता है, इसका एक्शन को बढ़ा देते हैं। पेड़ पौधे का जो रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को और रेगुलेट कर लेते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसका जड़ को, जो पेड़ होता है उसका जड़ को मजबूत करते हैं। ये भी आपको स्प्रे एप्लीकेशन में है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इट इज फॉलियर एप्लीकेशन है। फॉलियर एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको पत्ते को गीला करना है, पेड़ को गीला करना है, तो इसके कारण ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये डायरेक्ट होता है। पेड़ पौधों को मिट्टी का जो क्वालिटी है उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। और दोस्तों एक चीज आप देखिए कि आजकल जो होता है ना, जमीन के अंदर में हम लोग बहुत बार खेती करते हैं, एक बार एक जमीन के अंदर में 3 से 4 बार खेती करते हैं, तो जमीन का क्वालिटी खराब होता है। तो जमीन का क्वालिटी जो है वो तो तैयार होता ही है क्योंकि फार्मर तैयार करता है, बट पेड़ पौधे उससे डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। बट अभी जो सिस्टम हम लोगों ने बताया, ये स्प्रे करने वाला जो तरीका होता है, इसमें पेड़ पौधे डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये जो प्रोकार्ट है कंप्लीटली प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है और पेड़ पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसका जड़ को मजबूत करते हैं और इसको पोषण देते हैं बहुत अच्छे तरीका से। तीनों प्रोडक्ट आप एक साथ मिला के दे सकते हो 15 दिन बाद बाद। एक तो प्रो सुपर 80 5 ml 15 लीटर पानी में, उसके बाद आपने प्रोकार्ट 15 ml 15 लीटर पानी में, और उसके साथ साथ आप जो है प्रो एंजाइम 15 ml 15 लीटर पानी में। तो तीनों चीज मिला के आप स्प्रे कर सकते हो, और हम लोग भी आपको जो देंगे ना एक साथ पैकिंग देंगे तीनों एक साथ, तो एक फार्मर के पास एक पैकेज पहुंच जाएगा उसका यील्ड के लिए, जो क्रॉप्स है उसका यील्ड बढ़ाने के लिए पूरा पैकेज मिलेगा। और 250 ml का पैक में होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फार्मर के लिए बहुत ही अफोर्डेबल होगा, क्योंकि बाकी जितने सारे कंपनी है, जैसे एमवे हो गया, मोदी केयर हो गया, वेस्टिज हो गया, बाकी जितने सारे कंपनी है, इसको 1 लीटर 500 ml का पैक आता है, उसका प्राइस भी ज्यादा होता है और उतना इनफैक्ट किसी को जरूरत नहीं होता है, तो खराब हो जाता है। बट अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीका से आप हम लोग दे रहे हैं, आपको एक पूरा पैकेट देंगे, कार्टन देंगे, उसके अंदर में 3 प्रोडक्ट रहेगा और 3 प्रोडक्ट बेहतरीन तरीका से काम करेगा 1 एकड़ जमीन तक। तो मान लीजिए 600-700 रुपए के अंदर में आपको जमीन के लिए इतना बढ़िया एक सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों इसका जो यूज है, बहुत खूब सर, शानदार सर, शानदार, आपने हल्का सा रेट खोल दिया। थैंक यू। रेट मैंने हल्का सा ही बोला है, अभी पता नहीं रेट कैसे बनेगा। ये रेट सर, इधर चना बढ़ गया, चना बढ़ गया इधर सर, चना बढ़ गया। तो ये इसी प्राइस के अंदर में ही आएगा, पूरा पैकेज होगा। आप देखिए जो प्रोकार्ट है, मैं खुद जाएगा में बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे कॉटन में इसका एक्शन जो है बहुत अच्छा है। जब कॉटन का जो पेड़ होता है, जो स्क्वायर फॉर्मेशन होता है, उन लोगों फार्मर लोगों को पता है, उस टाइम इसको देना पड़ता है। ग्रेप्स में जब बडिंग होता है तो उस टाइम इसको देना है। राइस में मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज में, जब इसका पैदावार हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उस टाइम स्प्रे कर दो तो टिलरिंग ज्यादा हो जाएगा। सुगर केन में 90 से 120 दिन के जर्मिनेशन के बाद स्प्रे कर दीजिए, सुगर केन का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। आलू में 5 से 6 वीक के बाद भी इसको दे दीजिए, इसका क्वालिटी बेटर हो जाएगा।
कोई भी वेजिटेबल में 3 से 4 हफ्ता के प्लांटिंग के बाद आप देते स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन काम करेगा। अब देखिए आप प्रोएंजाइम जो है वो पहले से दे सकते हैं, बट ये थोड़ा ग्रोथ स्टेज में जब आ जाएगा उसी टाइम से आप दे दीजिएगा। चाय में स्प्रे कर सकते हैं, अप्रैल मई महीने में पहला स्प्रे होगा तो सेकेंड स्प्रे आपको होगा, सेकेंड स्प्रे आपको होगा करीब सितंबर अक्टूबर नवंबर में। इस तरीके से चाय में दे सकते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च का जो पेड़ पौधे होता है ना, ये चाय का गार्डन में ही होता है। ज्यादातर ब्लैक पीपर का जो फार्मिंग होता है वो टी गार्डन में ही होता है, तो इसमें भी पिनाकल स्टेज में आप स्प्रे कर दीजिए 3 महीने के बाद। अब देखिए कितना बेनिफिशियल है, इसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है, इसको 15 दिन के 3 महीने के बाद आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है।